हेलो एवरीवन, आज मैं सिखाऊंगी बिगनर न्यूज़पेपर वीविंग बास्केट। तो इसके लिए हमें न्यूज़पेपर ट्यूब्स चाहिए। तो न्यूज़पेपर ट्यूब्स कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स में छोटे वाले ट्यूब्स ले लेंगे और जितनी बड़ी बास्केट हमें बनानी है उसके हिसाब से हम सर्किल काटेंगे। तो सबसे पहले हमने दो कार्डबोर्ड पे सर्कल्स काट लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे पूरा आप ग्लू लगा लीजिए अच्छी तरीके से। और दूसरा कार्डबोर्ड इसके ऊपर स्टिक कर दीजिए। इसको अच्छी तरीके से पुश करना है। इसके बाद न्यूज़पेपर का हम एक इससे बड़ा सर्किल काटेंगे और इसको हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। फिर इसको बैक करके यहाँ पे आप कट्स लगाएंगे। देन एक एक करके हम इसको यहाँ पे स्टिक करते जाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। और जो सर्किल हमने कार्डबोर्ड के साइज का कट किया है उसको इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से ड्राई होने देंगे। अभी ये ड्राई हो गया है, इसके बाद हम अब बड़े वाले ट्यूब यूज़ करेंगे। तो एक ट्यूब लेकर थोड़ा स्लैंटिंग में हम यहाँ पे स्टिक करेंगे और यहाँ पे एक क्लिप लगा दीजिए ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, निकले नहीं। इसके बाद हम जैसे कि ये देखिए ये नीचे है तो अब की बार हम ऊपर लेंगे, फिर इसके बाद नीचे अगेन अप डाउन अप और यही प्रोसीजर हमारा यहां तक लगभग हम चलाते जाएंगे। और थोड़ा हम बाहर की तरफ करेंगे, एकदम इसको स्ट्रेट नहीं करेंगे। ये देखिए अभी ये डाउन ये अप देन डाउन अब हमको दूसरा ट्यूब ज्वाइन करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक क्लिप लगा देंगे। ज्वाइन करने के लिए इसको इस तरीके से पुश करिए, यहाँ से ऐसे फोल्ड और यहाँ पे ऐसे ग्लू लगा के इसके अंदर इन कर दीजिए। ये देखिए अभी हमारी बास्केट थोड़ी सी हम वीव बाहर की तरफ कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा अंदर की तरफ वीव करेंगे। तो उसके लिए बस क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइट लेना होगा। ये देखिए जैसे यहाँ से मैंने अभी थोड़ा सा इसको टाइट
टाइट करना स्टार्ट किया। ये हमारे ट्यूब्स जो हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ होते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा अभी बास्केट हो गई है। अभी हम इसके अपर पार्ट को और ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं कर रहे हैं। इसको फिनिश कैसे करना है, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वाला, तो यहाँ पे ही आके हम स्टॉप करेंगे। ये बस आपको यहाँ पे लेके आना है। इस तरीके से कट करके ये ऐसे इन नीचे की तरफ हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ और क्लिप लगा देनी है। इसके बाद यहां से आप कट कर दीजिए। इसके बाद ये जैसे कि हमारा बाहर की तरफ है, तो इसमें हम इसको इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करके इसमें नीचे वाले में इस तरीके से डाल देंगे, ताकि ये इसी लाइन में मर्ज हो जाए, और यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। अब ये अंदर की तरफ, इसको हम ड्राई होने देंगे। अभी हम इसकी लिड बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ट्यूब लेना है और इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से पुश कर लीजिए। पेंसिल की हेल्प से एक रोल बनाना है। ये बिल्कुल टाइट चलना चाहिए, आपका हाथ बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। जब इतना हो जाए तो आप इसको ऐसे निकाल के इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। आप क्लिप एक लेके यहाँ पे, क्योंकि आप इसको अगर छोड़ोगे तो ये ओपन हो जाएगा, इसको यहाँ पे नीचे तक पूरा लेके यहाँ पे एक और ट्यूब इंसर्ट करिए। अगेन ये देखिए, ये हमारा अभी इतना हो गया है। इसके बाद आप इसके ऊपर इसको रख के देख लीजिए कि हमें और कितना बड़ा बनाना है, ये पूरा कवर होना चाहिए। अभी हम लोग एक रो और करेंगे। इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको क्लिप्स का यूज़ करना पड़ेगा और आप किसी चीज़ का सपोर्ट देके आप इसको धीरे धीरे रोल कर सकते हो। इस तरीके से भी आप स्लोली स्लोली, अदरवाइज आप डायरेक्ट कार्डबोर्ड को भी लिड का रूप दे सकते हो। यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से ग्लू कर देना है। और इसको थोड़ी देर हम ड्राई होने देंगे। इसके बाद एक रोल के लिए बस इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है।
इसके बाद हम ये ड्राई हो गया है इसको थोड़ा सा आप बैक कर दीजिए, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है ताकि ये ओपन ना हो। फिर बहुत ही धीरे धीरे आपको पहले तो इस पर ग्लू लगा लीजिए, फिर बहुत ही स्लोली स्लोली आपको इसको धीरे धीरे, ये पूरा अंदर इन नहीं होना चाहिए, ये इस तरीके से सारे एक साथ देखिए पुश हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, बस बीच से हल्का सा, ये देखिए ये शेप आ जाएगी इसकी। और फिर ये वाला पार्ट लेकर इसको हम कि यहाँ सेंटर पार्ट तो पेस्ट बनाएंगे हम। पेस्ट बनाने के लिए हम सेम रेशियो रखेंगे, अगर आपने एक स्पून फेविकोल लिया है तो उतना ही पानी। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पूरा कोट कर दीजिए। अब ये ड्राई हो गया है, सी अब हम लोग कलर स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए रेड कलर और लाइट ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। रेड कलर हम बास्केट में करेंगे और ग्रीन कलर हम इसकी लेट में करेंगे। बस आपको करना क्या है, अभी हमारी बास्केट एकदम ड्राई हो गई है, तो अभी हमारी कलरिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने ये लेस ली है पर्ल की, इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। नेक्स्ट हम इसके अपर पार्ट में ये पर्ल के बीट्स लगाएंगे। अब हम इस पर ट्रांसपेरेंट स्प्रे पेंट करेंगे। इसको आपको पहले शेक करना है, देन इसके बाद में इस तरीके से हर तरफ स्प्रे कर देना है। नाउ हमारी बास्केट रेडी है।